हैं मतलब के के लिए हम एक proportional gain का यूज करते हैं, जो current error को को करता है 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 जैसे जैसे error बढ़ता है, output भी increase होता है. ऐसा करके करीब ले जाता दोस्तों पी एक्शन में एक स्टडी स्टेट एरर रह जाती है नेक्स्ट है इंटीग्रल मतलब इंटीग्रल एक्शन में हम एक्टेड एरर को कंट्रोल करते हैं जब error करता है इंटीग्रल एक्शन उस एरर को एक्मुलेट करता है और आउटपुट को एडजस्ट करता है ये स्टेडी स्टेट एरर को रिड्यूस करता है जो पी एक्शन में स्टेडी स्टेट एरर रह जा रही थी अब आई एक्शन में वो स्टेडी स्टेट एरर रिड्यूस हो जाती है या जीरो हो जाती है अब डेरिवेटिव मतलब डी एक्शन को समझा जाए डी एक्शन में हम सिस्टम नमस्ते दोस्तों आज हम आपको सिखाएंगे पी कंट्रोलर के कॉन्सेप्ट को और इसके इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे सबसे पहले हमें समझना होगा पीआईडी कंट्रोलर क्या होता है पीआईडी का मतलब होता है प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल और डेरिवेटिव। ये एक कंट्रोल लूप है जो प्रोसेस को रेगुलेट करता है और डिजायर्ड सेट पॉइंट पे रखता है अब एक एक करके प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल और डेरिवेटिव एक्शंस को देखते हैं सबसे पहले देखते हैं प्रोपोर्शनल मतलब पी एक्सन पी एक्षन के लिए हम एक प्रोपोर्शनल गेन का यूज करते हैं जो करंट एरर को कंट्रोल करता है जैसे जैसे एरर बढ़ता है आउटपुट भी इंक्रीज होता है ऐसा करके ये सिस्टम को सेट पॉइंट के करीब ले जाता है दोस्तों पी में एक स्टेडी स्टेट एरर रह जाती है नेक्स्ट है इंटीग्रल मतलब आई एक्शन इंटीग्रल एक्शन में हम एकुमलेटेड एरर को कंट्रोल करते हैं जब एरर परसिस्ट करता है इंटीग्रल एक्शन उस एरर को एक्यूमलेट करता है और आउटपुट को एडजस्ट करता है ये स्टेडी स्टेट एरर को रिड्यूस करता है जो पी एक्शन में स्टेडी स्टेट एरर रह जा रही थी अब आई एक्शन में वो स्टडी स्टेट एरर रिड्यूस हो जाती है या ज़ीरो हो जाती है अब डेरिवेटिव मतलब डी एक्शन को समझा जाए डी एक्शन में हम सिस्टम के रिस्पांस की रेट को कंट्रोल करते हैं अगर रिस्पांस बहुत फास्ट है तो डी एक्शन उस रिस्पांस को डैम्पन या कम करता है ताकि ओवरशूट कम हो डेरिवेटिव एक्शन स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है अब देखते हैं पीआईडी कंट्रोलर का इक्वेशन पीआईडी आउटपुट का इक्वेशन होता है पीआईडी आउटपुट इज इक्वल्स टू के पी मल्टीप्लाइड बाई एरर प्लस के आई मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ एरर्स प्लस के डी मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर ये इक्वेशन हमें आउटपुट को कैलकुलेट करने में मदद करती है अब पीआईडी कंट्रोलर के एप्लीकेशंस को देखते हैं पीआईडी कंट्रोलर्स का इस्तेमाल बहुत सारे एप्लीकेशंस में होता है जैसे टेम्परेचर कंट्रोल मोटर स्पीड कंट्रोल लेवल कंट्रोल प्रेशर कंट्रोल और भी बहुत सारे अब पीआईडी ट्यूनिंग को देखते हैं पीआईडी ट्यूनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है एक एफिशिएंट कंट्रोल के लिए इसमें के पी और के वैल्यूज़ को सही तरीके से सेट करना होता है मतलब के पी और के की वैल्यू को सेट करना ही पी की ट्यूनिंग होती है आप ऐसा कह सकते हैं ताकि सिस्टम स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो तो दोस्तों पी कंट्रोलर एक बहुत पावरफुल टूल होता है कंट्रोल सिस्टम्स में अब कुछ पीआईडी कंट्रोलर इंटरव्यू क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देखते हैं पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि पीआईडी ट्यूनिंग क्या होती है तो इसका आंसर आपको इस तरह से देना है पीआईडी ट्यूनिंग पीआईडी कंट्रोलर के के पी के आई और के डी वैल्यूज़ को सेट करने का प्रोसेस होता है सही ट्यूनिंग से सिस्टम की स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है नेक्स्ट क्वेश्चन पी कंट्रोलर का इस्तेमाल किस तरह से होता है पी कंट्रोलर का इस्तेमाल टेम्परेचर कंट्रोल मोटर स्पीड कंट्रोल लेवल कंट्रोल प्रेशर कंट्रोल और अन्य इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में होता है नेक्स्ट क्वेश्चन पी कंट्रोलर का रिस्पांस कितने तरह का होता है पी कंट्रोलर का रिस्पांस दो तरह का होता है अंडर डेम्ब रिस्पॉन्स और ओवर डेम्प्ड रिस्पॉन्स अंडर रिस्पॉन्स में सिस्टम ओवर शूट करती है जबकि ओवर डैम्ड रिस्पॉन्स में सिस्टम ओवर शूट नहीं करती है नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है पीआईडी कंट्रोलर के बेनिफिट्स क्या हैं पीआईडी कंट्रोलर के बेनिफिट्स हैं एक्यूरेट कंट्रोल फास्ट रिस्पॉन्स स्टेबिलिटी और रोबस्टनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पीआईडी कंट्रोलर और ऑन ऑफ कंट्रोलर में क्या अंतर है पी आई डी कंट्रोलर कंटिन्यूस कंट्रोल प्रोवाइड करता है जबकि ऑन ऑफ कंट्रोलर डिस्क्रीट कंट्रोल प्रोवाइड करता है पी आई डी कंट्रोलर प्रेसाइस और स्मूथ कंट्रोल देता है जबकि ऑन ऑफ कंट्रोलर ऑन या ऑफ स्टेट में स्विच करता है मुझे आशा है कि ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल होंगे इनके अलावा कुछ क्वेश्चंस और भी पूछ लिए जाते हैं जैसे कि पी कंट्रोलर क्या होता है प्रोपोर्शनल एक्शन क्या होता है इंटीग्रल एक्शन क्या होता है डेरिवेटिव एक्शन क्या होता है पी कंट्रोलर का इक्वेशन क्या होता है तो इन क्वेश्चंस का आंसर भी आप आसानी से दे सकते हैं